ओम गणानाम तोम गणपति गुम हवा मय प्रियनाम तोम प्रेपति गुम हवा मय निधि नाम तोम निधिपति गुम हवा मय वशो ममाम जानी तुम जासी गर्भदम ओम गं गणपतये नमो नमः। आज मैं बुध ग्रह के बारे में बता रहा हूँ। बुध ग्रह बुद्धि के, बुध ग्रह वाणिज्यता जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज होती है उन सब के लिए बुध होते हैं, वाणी के लिए बुध होते हैं, स्किन एलिमेंट्स के लिए बुध होते हैं, हॉर्मोन्स के लिए बुध होते हैं और कंसीवमेंट प्रेगनेंसी प्रोजेनी इन सब के लिए बुध होते हैं, क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह में आते हैं। ये बृहस्पति जी की वाइफ तारा और चंद्रमा से संयोग से ये पैदा हुए। तो एक तो ये, दूसरा अब हम तो बात तो उपायों की कर रहे हैं। तो बुध ग्रह के अधिष्ठाता हैं भगवान गणेश, तो गणेश की पूजा से बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं। बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, उनका आपमन को फेवर पाने के लिए वो गणेश जी की पूजा से, तो सर्वप्रथम वैसे भी सर्वप्रथम पूज्य गणेश हैं, तो गणेश जी की पूजा का कैसे, सबसे पहले जैसे दीपक जलाना, और ये शॉर्ट में ब्रीफ में बताता हूँ कि गणेश जी को अभिषेक कीजिए गणेश जी का गणपति अथर्व शीर्ष के साथ। आप YouTube से बजा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। इन सब चीजों के लिए नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक गीता प्रेस गोरखपुर से पुस्तक प्रकाशित होती है, उसमें सब बहुत सिंपलीफाइड वे में लिखा हुआ है। तो एक तो सबसे पहले तो इनका अभिषेक करें, फिर ऑरेंज कलर की, जैसे ये मैंने लगा रखा है सिंदूर, वो घी में मिला के और पूरा लेप कीजिए गणेश जी का, पूरा लेपन किया जाता है। समय के अभाव है तो फिर आप तिलक कर दीजिए, और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना चाहिए। देखिए चारों तरफ आप देख रहे हैं दुर्वा है। वैसे तो मैं अभी एक बताऊंगा आपको कि 21 दुर्वा चढ़ानी चाहिए इनके, जब 21 तो 10 जो हैं वो तो दो दो, मतलब 2-2 दुर्वा के, दो दुर्वा लेके एक बनेगा, तो 10 × 2 = 20, और फिर जो 11th वाली चढ़ाएंगे उसमें एक ही होगा। अभी मैं उसके मंत्र भी बता दूंगा आपको, पर सुविधा के लिए ये है कि आप दुर्वा चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, ये सफेद मंदार के पुष्प चढ़ाएं। ये तीन चीजें जो है इनमें जो संभव है, दुर्वा तो हो ही जाती है संभव, तो वो चढ़ाइए। उसकी पूरी स्टोरी है कि ये दुर्वा क्यों चढ़ना है। ये जो गणेश जी को राक्षस द्वारा छोड़ी गई अग्नि तत्व की, जो कुछ भी समझिए, वेपन समझिए या कुछ भी समझिए, तो उसमें फिर गणेश जी ने उसको दूसरों को नष्ट होने से बचाने के लिए अपने अंदर ले लिया। तो उनके जब पेट में, जब उनके स्टोमक में बहुत ज़्यादा जलन हुई तो ये दुर्वा के सेवन से वो शांत हुआ। इसलिए दुर्वा भगवान गणेश को नहीं चढ़ता है तो गणेश जी की पूजा अधूरी रहती है। वैसे भी बुध का रंग हरा है तो बुध को हरी चीज़, हरे शाक, हरे पत्तीदार सब्जियां, ये दुर्वा और बिल्व पत्र, ये सब भगवान बुद्ध के उपायों में आते हैं, गणेश जी के उपायों में भी आते हैं। वैसे तो मूंग जो होता है गणेश जी के लिए, मूंग भी, तोता जो पैरट होते हैं उनका कलर भी ग्रीन होता है, तो उनको भी चुगाने का एक विधान है। बट ब्रीफ में ये है कि दुर्वा पहले, सबसे पहले गणपति अथर्व सीड्स का पाठ करिए, उसके साथ ही अभिषेक करिए इनका जल, दूध और जल से या पंचामृत से, और साथ में ये दुर्वा बिल्व पत्र। और ये दूसरा जो भगवान गणेश का उदर बड़ा है, और भगवान गणेश की डाइट भी अच्छी है, तो भगवान गणेश को आप वैसे तो मोदक चढ़ाना चाहिए, मोदक स्पेशल, चाहे मावे का बनाए, चाहे मोदक जो बनता है मैदे का और उसका मिक्स वो बनाए, पर सिंप्लीफाइड वे में ये है कि गुड़ और एक इलायची, दो लौंग और मिश्री, ये चढ़ाइए भगवान गणेश को। ये
सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ, ये कीजिए। इससे जो एक जो सबसे बेस्ट इफेक्टिव उपाय में आता है बुध ग्रह का, वो ये कंप्लीट हो गया। आपको बताया था कि 21 दुर्वाएं चढ़ाने का विधान है, और वो आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, और वैसे भी आपको पुस्तकों में भी मिल जाएंगे गणेश पूजन की जो भी है। पर उसमें क्या है, ओम गणाधिपाय नमः दुर्वायुज्ञम समर्पयामि। दुर्वायुज्ञम मतलब दो दुर्वाएं एक साथ लेके और चढ़ाई जाती है। ओम उमा पुत्राय नमः दुर्वायुज्ञम समर्पयामि। ओम अग नाशनाय नमः दुर्वायुज्ञम समर्पयामि। ओम विनाकाय नमः दुर्वायुज्ञम समर्पयामि। ओम ईश पुत्राय नमः दुर्वायुज्ञम समर्पयामि। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः दुर्वायुज्ञम समर्पयामि। ओम एक दंताय नमः दुर्वायुज्ञम समर्पयामि। ओम इव वक्त्राय नमः दुर्वायुज्ञम समर्पयामि। ओम मूषक वाहनाय नमः दुर्वायुज्ञम समर्पयामि। ओम कुमार गुरुवे नमः दुर्वायुज्ञम समर्पयामि। ये मंत्र बोलते हुए दो दो दुर्वा अर्पित करके, और उसके बाद में तो 10 times I had spoken, तो 10 into 2 मतलब 20 तो ये हो गई, पर इनको दो दो दुर्वा एक साथ डाल समर्पित करनी है, चढ़ानी है। अब उसके बाद में एक दुर्वा रह गई, तो वो क्या करना है, ओम गणाधिपाय नमस्ते नमस्ते अस्तु उमा पुत्रागनाशन एक दंते भवकत्रेति तथा मूषकवान विनायकेश पुत्रेति सर्व सिद्धि प्रदायक कुमार गुरु वेति त्वाम पर्यामी प्रत्न दुर्वा में काम समर्पयामी। जो सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव उपाय है वो है कि बुध ग्रह के पौराणिक मंत्रों का जाप, पौराणिक मंत्रों का जाप, वो ब्राह्मण द्वारा ही किया जा सकता है, हमारे यहाँ भी हम करवाते हैं। तो वो बुध ग्रह के क्या है, प्रियंगु कलिकाचामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। ये ब्रीफ में उपाय हैं, उनसे आप अपना बुध सुधार सकते हैं। और अब ये किन किन के लिए होना चाहिए, देखिए सबसे पहले उन सब के लिए है जिनके की जन्म के समय जन्म कुंडली में बुध ग्रह नीचस्थ हैं, जो मीन राशि फिगर 12 वाली जो राशि होती है उसमें बुध नीच के होते हैं। तो वो अगर नीच के हैं तो उनको सब कुछ करना चाहिए, इंक्लूडिंग दिस जाप और पूजा, एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। वैसे तो कलयुग में 4 times होना चाहिए, चौथा युग है, बट वंस इन ए ईयर जरूर करवाना चाहिए। दूसरा, उन सबको भी करवाना चाहिए जिनके की बुध का प्लेसमेंट है 6th, 8th and 12th house में, 6th, 8th and 12th house में। एक और, जिन किन्हीं के भी बुध 7th house में, क्योंकि ये नपुंसक ग्रह है एंड 7th house इज हाउस ऑफ पार्टनर, 6th, 8th, 12th में, जैसे 12th house में बुध है तो वो बेडरूम प्लेजर कवर हो गया उसमें, इसलिए मैं विशेष स्पेसिफिक नहीं बोला हूं। अदरवाइज 7th house में अगर बुध प्लेस्ड है तो उनको भी सब उपाय करने हैं, उपाय उनको भी करने चाहिए जिनके की बुध 5th house में, संतान के घर में हो, तो उनकी संतान बड़ी प्रॉमिसिंग और बहुत ही अच्छी संतान की प्राप्ति होगी उनको वो करने से। ये है। और वैसे देखिए मैंने बता दिया नीचस्थ, फिर बता दिया कि ये प्लेसमेंट वाइज। अब उसके बाद में आता है तीसरा, जो कि गोचर की बात करें, जैसे अभी सिंह राशि में बुध चल रहे हैं, तो सिंह राशि जिन किन्हीं राशियों के, जैसे मीन राशि की ये 6th house आता है सिंह राशि, तो उनको दूसरा, मकर राशि के ये सिंह राशि आती है 8th house में, तो उनको, और कन्या राशि के ये आते हैं 12th house में, तो उनको, उन सबको भी, मतलब 6th, 8th and 12th house में गोचर में जब बुध चल रहे हों
तब भी उनको बुध के ये उपाय करने चाहिए, इंक्लूडिंग जाप और पूजा। ओम गणानाम तोम गणपति गुम हवा मय, प्रियणाम तोम प्रियपति गुम हवा मय, निधि नाम तोम निधिपति गुम हवा मय, वशो माम जानी तोम जासी गर्भदम। ओम गण गणपते नमो नमः। ये है बुध के उपाय, बुध को प्रसन्न करने के उपाय। बात हम बुध ग्रह के लिए गणेश जी की पूजा का और सब विधान की कर रहे हैं, तो एक और चीज कि भगवान गणेश कहाँ से प्रकट हुए, कहाँ से उनका जन्म हुआ, वो आपको पता ही है कि पार्वती जी के अवतरण कह लीजिए या जो भी उनकी उनके द्वारा ये इनका जन्म हुआ, इनका प्रादुर्भाव हुआ जो भगवान गणेश का। तो भगवान गणेश की पूजा से बुध प्रसन्न होते हैं, बुध के लिए भगवान गणेश का ही मेन उपाय है। तो उन गणेश जी के उपाय में एक चीज और जोड़नी चाहिए, वो है मातेश्वरी माँ उमा, माँ गौरी, माँ दुर्गा, माँ उमा, जो भी आप नाम समझे, बट माँ पार्वती जी से जब ये पैदा हुए हैं उनके उपटन से, तो वो ही उनकी भी उपासना करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं, और गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो बुध का ये भी एक उपाय माना जाता है। बुध ग्रह के उपाय में एक और है, वो ये है कि विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करने से बुध ग्रह ठीक होते हैं, प्रसन्न होते हैं। बुध ग्रह की जो घर की दिशा या दिशाओं की बात करूं मैं, तो वो उत्तर दिशा के प्रधान है, मालिक है। तो अपने घर की, ऑफिस की, फैक्ट्री की, जो भी ड्वेलिंग्स है आपका, जो भी स्थान है, वहां की उत्तर दिशा को, उत्तर दिशा को क्लीन रखिए, और दूसरी एक्सेप्ट ईस्ट और पूर्व दिशा को छोड़ दीजिए, दूसरी दिशाओं के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा नीचे भी रखिए। तो उत्तर दिशा को आप क्लीन रखेंगे उससे भी बुध ग्रह प्रसन्न होंगे।